करते हैं खबरों की। सोमवार को मैनपुरी में उपचुनाव के मतदान संपन्न हो गए हैं। वोटिंग के बाद मैनपुरी सीट से सपा के प्रत्याशी डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। साइकिल है वो तो अच्छी बात है कि वो चले गए, वो बच गया ब्लॉक प्रमुख, उसको न जाने कितनी पुलिस ढूंढ रही थी उस समय। प्रधान वो ब्लॉक प्रमुख पति को न जाने कितनी पुलिस ढूंढ रही थी, क्योंकि आप इटावा के हो सकते हो तो आप ज्यादा जानते होंगे। इलेक्शन कमीशन क्या है, आंख बंद करके बैठा हुआ है, सो गए होंगे। उन्हें क्या, उन्हें थोड़ी पता है, उन्हें पता है कि चुनाव लड़ाना नहीं है, जो सरकार कहेगी वो हमें मानना है। तो इससे किससे और ये 24 की इससे अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी विपक्ष के लोगों को। कहना चाहूंगी कि वोट डालें, प्रशासन और सरकार चाहती नहीं है वोट प्रतिशत बढ़े, और लगातार अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में काम कर रहे हैं, अनडेमोक्रेटिक वे में काम कर रहे हैं ये लोग। ये हमारा अधिकार है कि हम वोट डालें, और जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, मैं चुनाव आयोग से भी अपील करना चाहूँगी कि इस पर हमें देखें।